एक बात याद रखो, आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को रोक नहीं सकते। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक असदुद्दीन ओवैसी का नाम नहीं है, ये तमाम लोग असदुद्दीन ओवैसी हैं। तो अगर आप ये समझ रहे हैं, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, अगर वो ये समझ रहा है कि MIM पार्टी को जलसे नहीं होने देंगे, MIM पार्टी के लोगों को डराएंगे, मेरे भाई डरते होंगे तेलुगु देशम के नायडू वाले, डरते होंगे बीजेपी आरएसएस वाले। हम किसी से नहीं डरते, हम डरते हैं तो सिर्फ अल्लाह से डरते हैं। तो अब क्या हुआ, वहां के अदोनी के जो जिम्मेदार थे वाईएसआर पार्टी के, उन्होंने हिमाकत करे, क्या करे, हिमाकत करे, थोड़ा दीवानापन करे। अगर आज मेरा जलसा हो जाता मैं यहाँ पे आ जाता, मगर उन्होंने हमारा जलसा कैंसिल कराए, हमको चैलेंज करे, तो मैं बोला ठीक है आज नमाज पढ़ने अदोनी में आऊंगा और कल फिर जलसे में जाऊंगा। तो अब क्या हो गया, दो बार अदोनी जाना पड़ रहा, अब दो बार हम शेरवानी वहां पर जाएंगी तो असर रहेगा इंसान। ये समझते नहीं है, मेरे को मिनिस्टर बनना है, हर कोई मिनिस्टर बन रहा नहीं, आप असद साहब को मत बुलाइए, मजलिस को कैंडिडेट मत खड़ा करो। मेरे भाई किसी MLA को मिनिस्टर बनना है तो मजलिस को मिनिस्टर बनने का शौक नहीं है, मजलिस को लड़ने का शौक है। मजलिस को अगर कोई मिनिस्टर बनता तो बन जाए, हमको इससे कोई परवाह नहीं है, आप बनते जो बनते बन जाओ, मगर हमको हमारा हक मिलना चाहिए, हमारे मसाइल हल होना चाहिए। इसीलिए अगर कोई आके ये बोलेगा कि एक आदमी कि मकबूलियत के लिए एक आदमी को मिनिस्टर मिलने वाला है, आप उस बिना पर पूरे गरीबों के मफाद की कुर्बानी दे दो या कॉम्प्रोमाइज कर लो, मेरे भाई ये नहीं हो सकता है। जब तक हम जिंदा रहेंगे सबसे लड़ेंगे इंशाअल्लाह होगा, और हमारी ये जद्दोजहद, हमारी ये लड़ाई अपनी मकबूलियत के लिए, अपनी अना के लिए नहीं है, बल्कि गरीबों को उनका हक दिलाने के लिए। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तारीख है, 63 इयर्स से 63 साल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अवाम की खिदमत करती आ रही है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मौका दिया करनूल को आने का, और मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रखेगा मैं बार बार करनूल को दोनों को इंशाल्लाह। आप नहीं रोक सकते मेरे को, इसलिए नहीं रोक सकते कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लड़ाई इखलास के ऊपर मुबन्नी है, हम अपना हक चाहते हैं। और MIM पार्टी ने बहुत से चीफ मिनिस्टर को देखे, मैं आज से 25 साल पहले MLA बना था, मैं 25 साल पहले जब 1994 में MLA बना तो मैं एक ही MLA था, उसके बाद जब चीफ मिनिस्टर थे NT रामाराव, उनको धोखा दिए चंद्रबाबू नायडू, चंद्रबाबू नायडू 9 साल या जो भी थे, उसके बाद उनको पावर चला गया, साइकिल में हवा कम हो गई, तो YS राजशेखर रेड्डी CM बने, हम उनको देखे, YS राजशेखर रेड्डी के हादसे के बाद रोशैया बने चीफ मिनिस्टर, हम उनको देखे, उसके बाद किरण कुमार रेड्डी आए, उन्होंने मजलिस से झगड़ा करे, उन्होंने अपनी पार्टी बना लिए, पार्टी का निशान चप्पल रखे, चप्पल राज में आई, किरण कुमार रेड्डी चले गए, किरण कुमार रेड्डी चले गए आंध्रा, तू बाइफर्केशन हो गया, यहां पर चंद्रबाबू नायडू बने,
पांच साल के बाद उन्हों घर में बैठ गए, उन्हों जगर मोहन रेड्डी बन गए। तो अब तक माशाल्लाह से हम लोग 7-8 चीफ मिनिस्टर को देख लिए। आप हमको मत रोको, आप जितना हमको रोकेंगे ना हम उतना जिद में आते। मजलिस के मुखालिफिन बोलते थे, मजलिस के जितने मुखालिफिन बोलते थे असदुद्दीन ओवैसी तुम गुजरात को नहीं जाते, तुम मोदी से मिले हुए गुजरात को नहीं जाते, नहीं जाते। हम गुजरात को गए नहीं गए, गए ना गुजरात को, गुजरात को गए। अहमदाबाद में खाली 25 दिन की मेहनत हमारे वहां के सदर जनाब साबिर भाई साहब ने, उनकी टीम ने की। 25 दिन की मेहनत में अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस के 7 कॉर्पोरेटर और अहमदाबाद में कामयाब हुए। गोधरा को पहली मर्तबा जिंदगी में गोधरा गया, 8 कैंडिडेट खड़ा किए, 7 जीते अल्हम्दुलिल्लाह। मोडासा में अगर मैं गलत ना कहूं तो 12 या 13 खड़ा किए, 9 जीत गए। अब मोडासा में लीडर ऑफ अपोजिशन MIM पार्टी का कांग्रेस को हमसे कम मिले। फिर भरूच में हमारे एक उम्मीदवार को कामयाबी मिली। तो मैं इन लोगों को बताना ये चाह रहा हूं कि हमारे को चैलेंज नहीं करना, तुम चैलेंज करे तो हम चैलेंज कबूल करने तैयार हैं। क्योंकि याद रखो तुम भी इंसान मैं भी इंसान, तुम आज पावर में तुम कल नहीं रहेंगे, मैं तो हमेशा हूं रहूंगा इंशाल्लाह। तो इन लोगों को क्या होता है कि पावर, हम पावर में है, हम पावर में है, हम रूलिंग पार्टी है। अरे तेरे जैसे 56 को देख लिया मैं, रूलिंग पार्टी, रूलिंग पार्टी, रूलिंग कई की रूलिंग पार्टी है तेरी। रूलिंग तो अल्लाह की है, लहू माफी समावाते हो माफिल और जमीन आसमान का मालिक अल्लाह है। तुम क्या रूलिंग करते, उन्हें रूलिंग करता, उन्हें रूलिंग करा बोलते। सुबह में सूरज निकलता, रात में चांद तारे ये सब आते, बारिश होती, रूलिंग रूलिंग कई की रूलिंग भाई तेरी, कोई रूलिंग नहीं। ये दुनिया में हम सब जो है मुसाफिर है, पानी के बुलबुले हम सब लोग। तो ज्यादा हुरूर तकबुर नहीं करना बाबा, अल्लाह मौका दिया काम कर लो। मिनिस्टर बनना है जो मिनिस्टर बनो, क्या क्या बनते बनो, लाल गाड़ी के ऊपर, गाड़ी के ऊपर लाल लाइट लगा के फिर लो, दूल्हे बन के हमको इतराज नहीं है। हमारे को डिस्टर्ब नहीं करना, हमारे को डिस्टर्ब करे तो हम तुम्हारे पीछे पड़ जाते थे, और ऐसा पीछे पड़ते हैं कि तुम्हारे को आइंदा असेंबली इलेक्शन में नतीजा दिखाएंगे फिर। तो इसीलिए मैं इखलास के दायरे में रहकर, अदब के दायरे में रहकर इन लोगों से अपील कर रहा हूं, अपना काम करो, हमको अपना काम करने दो। आप अपना काम कर लो, कौन रोक रहा आपको, मगर नहीं यहां मैदान में नहीं करना है। MIM पार्टी, MIM पार्टी को जलसा कैसा देते, आज बंद है, अरे आंध्रा में बंद है, हम भी बंद की ताईद करे, जुनेद भी करे, मंसूर भी करे, सब करे, ताईद करे, मगर ये शाम में बंद होता क्या। मैं हमारे को कोई बोले बड़े लोग वो गवर्नमेंट करे साहब बंद है, मतलब रात में कुत्ते का पेशाब भी बंद है क्या, रात में वो बंद नहीं होता। तुम बोले तुम कुत्ते का पीछा पियो, पब्लिक में जाके अपना वोट का मुतालबा करेंगे, पता के नुकसान के बंद बंद, अरे बंद है तो दिन का बंद है। आज मैं जा रहा था अधोनी को, कौन सा गांव था जुनेद, कोटपुर में गाड़ी रोके, आज है ना, है ना, हमारे को देख के आके बोले साहब 1-2 मिनट आप भी हमारे प्रोटेस्ट में शामिल हो जाओ। हम बोले ठीक है, बराबर गया मैं, वहां पे कम्युनिस्ट लीडर थे गफूर साहब नाम है, नाम याद है। गफूर साहब बोले आओ जी तुम आओ, जरा आके दौलत बोलो, जरा कौम का नाम अच्छा होता। बोला अच्छी बात है, तो अब्दुल गफूर साहब जाके बोले। तो ये हमारा काम यही है। तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि ये लोगों के बातों में मत आइए। MIM पार्टी के जो करनूल में 7 कैंडिडेट है, जुमला कितने वार्ड आए आप, 30 पे 3 है, हाँ 30 पे 3 वार्ड में
हम खाली साथ लड़े तो इनके पेट में दर्द हो रहा।